आज हमारा सबक है इसके टुडे वी आर जस्ट वॉकिंग इनटू बीइंग के नक्शे पर उतरा हाउ इस्लाम गाइड हमें पाकिस्तान बनाने के लिए ऐसे क्या कि वो इस कॉन्टिनेंट के अंदर एक सेपरेट स्टेट के लिए काम करें राइट अच्छा बच्चों ये था कि देखो ना कि प्री पार्टीशन का अगर हम केस देखें और जब हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह से हम एक स्ट्रगल मूवमेंट पढ़ते हैं लेकिन अगर उससे हम प्रीवियस हिस्ट्री को अगर देखें तो हमें पता चलता है कि 1000 ईयर से भी ज्यादा मुस्लिम्स ने सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया मुस्लिम ने जब सब कॉन्टिनेंट पर 1000 ईयर से भी ज्यादा ईयर्स यहाँ पर रूल किया तो उस वक्त भी तो हिंदू हमारे साथ रहते थे। हमने उस टाइम पे क्यों नहीं सोचा था कि अब तो हमारी अपनी हुकूमत है हम मुसलमानों को अलग मुल्क बना के दे दें। 1000 ईयर्स आर अ वेरी आई मीन एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है एक लॉन्ग टाइम पीरियड है। आप उस वक्त क्यों नहीं एफर्ट कर रहे थे कि आपको एक सेपरेट स्टेट बना के दे दें मुसलमानों को जहाँ पर वो अपनी जिंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक गुजार सकते हैं। 1940 में क्यों ख्याल आया कि जी एक सेपरेट स्टेट जो है वो मुसलमानों के लिए बनाई जानी चाहिए। तो हम जरा एक पीछे ओवरव्यू कर लेते हैं कि ऐसी क्या जरूरतें थी ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थे व्हाई मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट प्रेजेंटेड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी इन चीजों की क्या जरूरत थी। मुझे नहीं लगता कि अगर आप 1000 साल एक इलाके में हुकूमत कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपकी हुकूमत खत्म हो रही है तो फिर आप शोर मचाना शुरू कर दें कि जी हमें एक सेपरेट स्टेट की जरूरत है। हम लोग अंग्रेजों के भी आने से पहले 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले भी तो हम लोग सब इकट्ठे रह रहे थे तब मुसलमानों को क्यों जरूरत नहीं पेश आई थी एक सेपरेट स्टेट से कि हमें अलग मुल्क बना के दे दे। जो हुक्म वो तमाम जो भी हिंदुओं को ये मना नहीं किया जाता था या आप इंडिया के अंदर अगर कोई मुसलमान यू नो वेरी वेल थी ये वो इश्यूज थे। हिंदू जो थे वो बेसिकली सब कॉन्टिनेंट पे अपनी मोनोपोली चाहते थे। हिंदू सब कॉन्टिनेंट पर अपना एक हेजमनी चाहते थे गलबा चाहते थे और वो चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट में हिंदू रामराज कायम हो जाए। हिंदू रामराज क्यों कायम हो जाए क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पर हिंदू आबादी में ज्यादा है तो हिंदुओं का जो तर्ज जिंदगी है हिंदुओं की जो लाइफ स्टाइल है सब लोग वो ही अडॉप्ट करें। ठीक है तो मैं अगर थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री के में चले जाएं तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान बनने के ये कोई एक दो दिन की या 1940 से ये चीज नहीं चल रही थी बल्कि एक लॉन्ग पीरियड जो था ये हम ये इसके पीछे था स्ट्रगल के पीछे तब स्टेट बनी। वो सिर्फ ये था कि जो उसके बाद जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है गया तो फिर उनको बात नहीं है। अरे मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाएं अकबर की हिस्ट्री स्पेशली जो है वो हमें इस चीज की तरफ लेकर आती है कि टू नेशन थ्योरी जो है दो कौमी नजरिया जो है ये तब से ही मौजूद है जब से सब कॉन्टिनेंट में हिंदू और मुसलमान मौजूद है बिकॉज फ्रॉम द डे फर्स्ट हिंदू और मुस्लिम दोनों की आइडेंटिटी फर्क थी दोनों की जो नॉर्म्स थी वैल्यूज थी कल्चर था एवरीथिंग वाज डिफरेंट एट दैट टाइम इवन। लेकिन उस वक्त हिंदुओं ने एक सेपरेट स्टेट या मुसलमानों से जान छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं की थी क्योंकि उनके राइट्स उनको मिल रहे थे। ठीक है अकबर के दौर में बेटे जो हजरत मुजद्दिद अली सानी थे ना इनके इनका रोल हम बहुत ज्यादा समझते हैं कि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इनका रोल है क्योंकि एट दैट टाइम अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है अकबर जो था वो इलिटरेट था लर्न पर्सन नहीं था तो उसके जो कोर्टीज थे या जो उसके दरबार में लोग बैठते थे जो उसके वजीर मुशीर थे
वो मैक्सिमम जो थे वो हिंदू थे, ठीक है। अब वो हिंदू क्या करते थे, वो हिंदू जो है वो अकबर की ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे। ब्रेन वॉशिंग को किस तरह से कर रहे थे कि अकबर को कह रहे थे कि इफ यू वांट टू क्रिएट रिलीजियस हार्मनी इन द कंट्री, अगर आप मुल्क में एक अमन की सिचुएशन चाहते हैं तो फिर जरूरी है, इफ यू वांट पीस इन द स्टेट तो रिलीजियस हार्मनी बहुत जरूरी है। अमन कायम करने के लिए सबका एक जैसा मजहब होना जरूरी है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हिंदू इस्लाम इस्लाम या मुसलमानों का जो भी मजहब है उसकी जो भी इबादत और जो भी चीजें हैं उनके मजहब की, उसको और हिंदुइज्म के मजहब को और सिखिज्म को और सारे जितने भी सब कॉन्टिनेंट में रिलीजन इस टाइम पे मौजूद है उन सब को अमेलगमेट करके मिक्स करके एक न्यू रिलीजन इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि कंट्री के अंदर रिलीजियस हार्मनी क्रिएट हो, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर पीस डेवलप होगा। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है इट्स ओके, अगर आपको लगता है कि रिलीजियस हार्मनी क्रिएट करने से पीस और प्रोस्पेरिटी सोसाइटी के अंदर आती है तो आप लोग ये भी कर लें। तो जो हिंदू थे उन्होंने क्या चलाकियां की, उन्होंने ये चलाकी की बच्चों कि उन्होंने हिंदुइज्म और इस्लाम को मिक्स करने की भरपूर कोशिश की। अकबर से कहा कि वो हर मजहब की औरत से शादी कर ले, ठीक है। फिर इसके साथ ही उन्होंने यहाँ तक बात खत्म ना की बल्कि उन्होंने अस्सलामु अलैकुम की जगह अल्लाह अकबर के वर्ड्स को इस्तेमाल किया, और यहाँ पर अल्लाह अकबर से मुराद स्पेशली अकबर बादशाह से ली जाती थी। अकबर को सजदा करवाया जाने लगा और कहा जाने लगा ये जी इबादती सजदा नहीं है बल्कि ये हम अदब के तौर पर, ताजीम के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पर हम ये किंग को जो है वो बो डाउन कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से फजर और ईशा की नमाजों को ख़त्म कर दिया गया, नमाज के अंदर से सजदे का एलिमेंट जो है वो भी ख़त्म करने की कोशिश की गई, मस्जिद भी बनाई गई, मंदिर भी बनाया गया। गर्ज ये कि इस्लाम की आइडेंटिटी को सब कॉन्टिनेंट में हर तरह से जो है वो रिमूव करने की कोशिश की गई। उस वक्त में फिर अगर हम हज़रत मुजद्दद अलिफ सानी की बात करते हैं तो वो ऐसे शख्सियत थे कि जिन्होंने फिर इस्लाम को प्योरीफाई करने के लिए जो है वो काम शुरू किया। इस्लाम को किस तरह से उन्होंने प्योरीफाई किया, उन्होंने लोगों को बताया भाई आप लोग जिस तरफ जा रहे हो ये रास्ता ठीक नहीं है। अकबर का जो दीन इलाही या उसने न्यू रिलीजन जो इंट्रोड्यूस कराया है सारे मजाहिब को मिक्स करके अमेलगमेशन करके जो एक नया मजहब मुतारिफ कराया है, ये मजहब ठीक नहीं है। इस्लाम की एक सेपरेट आइडेंटिटी है जो आप किसी रिलीजन के अंदर मिक्स नहीं कर सकते और कयामत तक ये मिक्स नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा अपने सर लिया हुआ है, क्योंकि उससे पहले आपको पता है कि जितनी भी अल्लाह ताला की तरफ से किताबें नाजिल की गई वो सारी की सारी जो है वो उसके अंदर लोगों ने अपनी मर्जी से तब्दीली कर ली। तो जब कुरान पाक को नाजिल फरमाया तो अल्लाह ताला ने कहा था कि क़यामत तक इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकेगी। अब इसमें एक जबर जेर, आप आज तक 1400 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर गया, कुरान इस दुनिया में हमारे तक पहुंचा, मुसलमानों तक पहुंचा, इतने साल गुजर गए लेकिन आज तक देख लें कि इसमें किसी भी एक भी वर्ड का भी चेंज नहीं आया, ठीक है, एक जबर जेर एक नुक्ते तक का फर्क नहीं पड़ा। तो हज़रत मुजद्दद अलिफ सानी की यही प्ली थी, उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस्लाम कैन नॉट बी अमलगमेट इन एनी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। असल में तो देखे ना कि उन्होंने ही हमें वे आउट दिखा दिया कि इस्लाम एक अलग आइडेंटिटी रखता है, और यही नज़रिया इस्लाम जो था यही आगे चलकर फिर नज़रिया पाकिस्तान बन गया, यही नज़रिया आगे चलकर फिर हमारे लिए एक वे आउट बन गया जिसको लेकर हमने फिर पाकिस्तान के लिए एफर्ट स्टार्ट की। फिर हज़रत मुजद्दद अलिफ सानी के बाद शाह वलीउल्लाह, हज़रत सैयद अहमद शहीद, सर सैयद अहमद खान, ये वो लोग थे, अलामा इकबाल कायद अजम, ये वो लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को लेकर आगे चले। और फिर जो हज़रत मुजद्दद अलिफ सानी ने एक काम शुरू किया था कि इस्लाम को प्योरीफाई करना और इस्लाम के मुताबिक लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका ढंग सिखाना, यही चीज़ फिर लेकर आगे चलते चलते यहाँ तक सूरत हाल आ गई कि एक वक्त आया कि मुसलमानों ने इस चीज़ का अदा कर लिया, इस चीज़ पर ये इस बात पर जो है वो पक्के हो गए, इस बात पर उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, कि क्योंकि हिंदू जो हैं वो हमेशा से उनकी ये कोशिश रही है कि वो इस्लाम की
और मुसलमानों की जो सेपरेट आइडेंटिटी है उसको रिमूव कर दें, उसको ख़त्म कर दें, ताकि जो उनकी मोनोपोली है या उनकी हेजमनी है इस सब कॉन्टिनेंट के रीजन के अंदर वो उसी तरह से रहे, ठीक है। लेकिन देखें कि इस्लाम का जो एक सिस्टम है, चाहे वो आपका सोसाइटल सिस्टम हो, चाहे आपका कल्चरल सिस्टम हो, चाहे आपका इकोनॉमिक सिस्टम हो, इवन चाहे आपका एथिकल सिस्टम हो, इस्लाम जो है वो तमाम रिलीजन से बेहतर है। देखिए हिंदुओं का क्या कॉन्सेप्ट था, हिंदुओं का कॉन्सेप्ट तो ये था ना कि अगर किसी की किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को जो है उसके साथ ही जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, इस बात का ख्याल नहीं किया जाता था कि उसके बच्चों का क्या बनेगा, ठीक है ना। तो इस्लाम में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम जो था, लेकिन जब सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम आया, अगर आप थोड़ा सा और प्रीवियस हिस्ट्री में चल जाएं, जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराया, तो उस वक्त सबसे ज्यादा आपको पता है ना कि हिंदुओं में कास्ट सिस्टम था, विष्ट के वो थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वेश थे, शूद्र थे, ये चारों जातें जो थी, ये इनमें सबसे जो निचली जात थी वो शूद्रों की थी। अब शूद्र जो थे वो बेचारे ये थे कि उनको अनटचेबल समझा जाता था, उनका काम सिर्फ सफाइयाँ सुथराइयाँ, लोगों की गंदगी उठाना या फिर इस तरह के जो छोटे छोटे काम थे वो उनको दिए जाते थे, और अगर वो कोई मजहब की बात सुन लेते थे तो उनके कान जो हैं वो डैमेज कर दिए जाते थे, ताकि वो आइंदा कोई मजहब की बात जो है वो ना सुन सके। लेकिन इस्लाम देखें कैसा रिलीजन है कि इसमें अमारत और गरीब होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, आप एक मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकते हैं, आपका कुरान अमीर हैं तब भी आपके पास वही है, गरीब हैं तब भी। इस्लाम में तो ज़ात पात की कोई वो लिमिट नहीं लगाई गई थी, तो इसीलिए जो शूदर थे वो जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस कराया, तो मुसलमान होने वाले लोगों में सबसे पहले जो हिंदू से मुसलमान हुए वो शूदर थे, ठीक है, क्योंकि वो उस कास्ट सिस्टम में बहुत ज्यादा पिसे हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी मुसलमान होना शुरू हो गए, इसमें औलिया इकराम ने अपना बहुत रोल प्ले किया, क्योंकि औलिया इकराम ने जो है वो सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम को इस तरह से प्रीच किया कि इस्लाम जो है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि दुनिया का सबसे पीसफुल रिलीजन इस्लाम है, इस्लाम सबसे ज्यादा अमन पसंद है। इस्लाम में तो देखिए वॉर के भी रूल्स हैं, ठीक है, इस्लाम में तो आप ये देखें कि इस्लाम में अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई है, किसी से झगड़ा है, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, उसके घर वालों के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम तो इस तरह का रिलीजन है, और इस्लाम में ये चीज भी है कि अगर आपको कोई तकलीफ देता है तो आप उसको भी तकलीफ दे लो, लेकिन उतनी ही दो जितनी उसने आपको दी। कुरान क्या कहता है कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, जान के बदले जान, लेकिन माफ कर देना सबसे बेहतर है। लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हिंदुइज्म में पता है क्या था बच्चों, हिंदुइज्म में ये था कि अगर कोई अमीर शख्स या किसी बड़ी जात का बंदा, ब्राह्मण फर्ज कर लें, कि कोई गलती करता था, कोई गुनाह करता था, तो उसे ब्राह्मण समझकर या ऊंची जात का, अमीर तबके का बंदा समझ के, इलीट क्लास का समझ के माफ कर दिया जाता था। लेकिन अगर वही गलती शूदर कोई कर बैठता था तो उसको सख्त तरीन सजा दी जाती थी, ऐसी सजा जिसको, जिसके बारे में सोच कर सुन कर इंसानियत जो है वो भी कांप जाए। तो आप ये देखें कि इस्लाम जो है वो तो इतना पीसफुल रिलीजन था, ठीक है। तो अब जब यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने हिंदुओं को अपने साथ मिला लिया। जब हिंदुओं को अपने साथ मिला लिया तो हिंदुओं ने मुसलमानों को फिर से एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, एक बार फिर उनके अंदर वही चीज पैदा हो गई कि यहाँ पर हिंदुओं की मोनोपोली होनी चाहिए, हिंदुओं का एक, आप कह लें कि यहाँ पर हिंदू ही ऑल इन ऑल हूँ। और उनको पता था कि एक टाइम आएगा कि किसी ना किसी तरह हम अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर हिंदुओं की मोनोपोली कायम होगी, ये इस बात का उनको यकीन था। लेकिन जब मुसलमानों ने उनकी मेंटेलिटी को अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर मुसलमानों ने भी सोच लिया कि अगर हिंदू यहाँ पर अपने मोनोपोली बनाना चाहते हैं तो फिर हम हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहते। और यही बात जो थी, यही बात लेकर उन्हें एक स्टेट का कॉन्सेप्ट मिला, और यही ऑब्जेक्टिव जो था उनका, जो पाकिस्तान की तख्लीक थी या क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान थी, उसके पीछे यही एक चीज चल रही थी कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के असूलों पर बनाया जाएगा, जहाँ पर उन्हें हिंदुओं और अंग्रेजों की किसी किस्म की
गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, जहां पर उन्हें किसी किस्म का ऐसा कोई फैक्टर जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा जिससे वो उनके मजहब को कोई खतरा हो या उनको उनकी जान को कोई खतरा हो या उनके माल को कोई खतरा हो। आज आप देख लें कि इंडिया के अंदर बच्चों क्या सिचुएशन है कि मुसलमानों की जान माल महफूज नहीं है, ठीक है, अगर वो अपने किसी मजहबी फरीजे के लिए कोई ऐसा इकदाम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ईद उल अजहा पर वो गाय ज़िबा कर लेते हैं तो वहाँ पर एक क़यामत का सा मंजर होता है उन लोगों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि किसने वो गोश्त खाया, ज़िबा किया, क्या किया, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े से बूढ़े शख्स तक को कत्ल कर दिया जाता है सिर्फ इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान है, उन्हें मुसलमान होने की सजा दी जाती है। और यही सजा, इसी सजा से बचने के लिए और इसी हिंदू मोनोपोली और हिंदुओं की सोच से बचने के लिए सब कॉन्टिनेंट में जो है वो ऐसे पीस ऑफ लैंड की जरूरत थी जिसके जिसमें लोग अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें, अपनी जिंदगियां गुजार सकें। और इसमें हज़रत मुजद्दिद अली इस्फ़हानी से लेकर कायदे आज़म तक और बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत सारे औलिया इकराम थे, बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया और फाइनली फिर हम पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो चुके हो गए। और नज़रिया पाकिस्तान को अगर हम कंक्लूड करते हैं, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को अगर हम कंक्लूड करते हैं, तो हमें यही चीज़ नज़र आती है कि इस्लाम जो है उसको हमने एक वे ऑफ लाइफ के तौर पर एडॉप्ट किया। जैसे अल्लामा इकबाल ने अपने अलाहाबाद एड्रेस में कहा था, इफ़ यू वांट टू अलाइव इस्लाम एज अ रिलीजन इन द सब कॉन्टिनेंट टू इट, सो इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सेपरेट स्टेट। कहने का मकसद ये है कि अल्लामा इकबाल ने अलाहाबाद एड्रेस में भी यही बात क्लियरली की थी कि अगर आप इस्लाम को बतौर मजहब इस सब कॉन्टिनेंट के रीजन के अंदर जिंदा रखना चाहते हैं तो मुसलमानों आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक सेपरेट स्टेट बनाओ, उसके बगैर आपका गुजारा मुमकिन नहीं है, ठीक है। और यही चीज़ फिर लेटर पीरियड में मुसलमानों ने इस पर एफर्ट की और पाकिस्तान जो है वो बन गया।